हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कस सेकंड लेक्चर ऑफ द यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, अब तक क्या देख चुके हैं एक बार वो जानते हैं। ठीक है, अब तक हम क्या कर चुके हैं, चार पांच डेफिनेशन देख चुके हैं। सबसे पहले क्या देखा था हमने, फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है वो समझी थी। उसके बाद हमने समझा था यूनिट मतलब क्या है वो समझा था, बराबर है। उसके बाद मेजरमेंट मतलब क्या होता है वो समझा था, बराबर है। उसके बाद हम समझ चुके हैं फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या होता है वो समझ चुके हैं, बराबर है। और यही यूनिट को ही क्या बोला था हमने, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस बोला था, बराबर है। और इसके जरिए क्या हुआ था, एक फॉर्मूला क्या हुआ था, डिस्कवर हुआ था, बराबर है। वो फॉर्मूला कौन सा था, P इक्वल टू n इंटू यू। कौन सा फॉर्मूला था, P इक्वल टू n इंटू यू। यहाँ पे P क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। और n क्या था, न्यूमेरिकल वैल्यू, बराबर है। और यहाँ पे यू क्या था, सिंपल यूनिट, बराबर है। और इसका क्या रिलेशन था, यन का यू के साथ क्या रिलेशन था, यन जो था क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था क्या यू के साथ। बहुत बच्चों को इसमें कंफ्यूजन आ गया है, समझना है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है। ये जो साइन है ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बराबर है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली है कैसा, इनवर्सली। अब इनवर्सली मतलब क्या होगा समझना है, जब उल्टा होता है, जब क्या होगा यन बढ़ेगा तो यू क्या होगा घटेगा। इनवर्सली उल्टा हो रहा है, यन क्या हो रहा है बढ़ रहा है तो यू क्या हो रहा है घट रहा है। और अगर मैं लिखूं समझाने के लिए, यन क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू है, बराबर है, ऐसा तो क्या होगा, जब यन की वैल्यू बढ़ेगी तो यू की भी वैल्यू क्या होगी बढ़ेगी। तो ये कौन सा साइन हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इनवर्सली एंड डायरेक्टली, इनवर्सली में क्या होगा एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा घटेगा, और डायरेक्टली में क्या होगा, जब पहला बढ़ेगा तो दूसरा भी क्या होगा बढ़ेगा। और हमारा रिलेशन कौन सा आया हुआ है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का आ चुका है। ठीक है, मतलब हमारे कंडीशन में क्या हो रहा है, जब यन बढ़ रहा है तब यू क्या हो रहा है घट रहा है, सिंपल। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। हमने देखा था स्टैंडर्ड रेफरेंस, बराबर है। और स्टैंडर्ड रेफरेंस क्या हुआ था, जो सेट करता है, कौन सेट कर रहा है, मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताया था, बराबर है, ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट, कहां पे प्रेजेंट है, तो फ्रांस में अवेलेबल है, मैं बता चुका हूं प्रीवियस लेक्चर में। लेकिन देखो ये जो स्टैंडर्ड रेफरेंस है, मैंने बताया था कैसे सेट होता है, तो आर्बिट्री, बराबर है। आर्बिट्री मतलब क्या हो रहा है, हमारे मन से मतलब क्या, स्टैंडर्ड यूनिट्स की जो आपकी है ऑर्गेनाइजेशन उनके मन से, बराबर है। अब जो ये है स्टैंडर्ड रेफरेंस का क्या दिया हुआ है, क्राइटेरिया दिया हुआ है। ठीक है, ये क्राइटेरिया किसका है, सिंपल स्टैंडर्ड रेफरेंस का दिया हुआ है। अब ये क्राइटेरिया क्या है, क्या फॉलो करना चाहिए हमारे स्टैंडर्ड रेफरेंस ने, हमारे यूनिट ने, तो वो कुछ चार चीजें दी हुई है। वो चार चीजें कौन सी है वो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है कि वो क्या होना चाहिए, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए। मतलब हमारा जो स्टैंडर्ड रेफरेंस है वो स्टैंडर्ड रेफरेंस क्या होना चाहिए, सारा का सारा जो यूनिवर्स है उसने क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। ये क्या है, सबसे पहला कंडीशन है किसके लिए, स्टैंडर्ड रेफरेंस के लिए। सेकंड कंडीशन आ रही है इनवेरिएबिलिटी। मतलब इनवेरिएबिलिटी मतलब कैसे, अगर आप यूनिवर्स में कहीं पे भी जाओ तो आपका जो यूनिट होगा, जो स्टैंडर्ड रेफरेंस होगा, वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब मैं चाहूँ किसी भी कंट्री में जाऊँ तो मैं मास के लिए क्या यूज करूंगा, केजी यूज करूंगा। ठीक है, तो मतलब क्या होगा, इनवेरिएबिलिटी होना चाहिए। थर्ड क्या होना चाहिए, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए स्टैंडर्ड रेफरेंस ने, अवेलेबिलिटी इजीली। मतलब क्या होना चाहिए, सारे के जो कहां भी कंट्री, जो कौन सा भी नेशन हो यूनिवर्स में, उसकी अवेलेबिलिटी क्या होनी चाहिए, इजी होनी चाहिए। ये क्या होना चाहिए, थर्ड क्या है कंडीशन है हमारे स्टैंडर्ड रेफरेंस की। और फोर्थ कंडीशन इंपॉर्टेंट, कि अकॉर्डिंग टू टाइम जो आपका स्टैंडर्ड रेफरेंस है वो क्या नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप लोगों को पता है जो हमारा डे वो क्या है, 24 आवर्स का है। अगर अकॉर्डिंग टू टाइम हमारा स्टैंडर्ड रेफरेंस अगर चेंज हो गया तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, डिफरेंट आएगी डिफरेंट डिफरेंट टाइम में। इसीलिए जो यूनिट हम सेट करेंगे, स्टैंडर्ड रेफरेंस जो सेट करेंगे, ऐसा सेट करना है कि जो क्या हो टाइम के ऊपर क्या हो डिपेंडेंट ना हो। ठीक है, तो ये क्या है, चार क्राइटेरिया है जो किसने फॉलो करना चाहिए, स्टैंडर्ड रेफरेंस ने क्या करना चाहिए, सेटिस्फाइड करना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, कुछ कंडीशंस है ये आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, हेलो, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, बराबर है। तो आज हम अभी देखने वाले हैं कि जो हमारी मेजरमेंट की सिस्टम्स है, हमारी
ठीक है, तो कितनी मेजरमेंट की सिस्टम से बराबर है। तो जो हमारे 1971, ठीक है, 1971 से पहले की हम बात जो कर रहे हैं वो कब की बात कर रहे हैं, बिफोर 1971 की, कब की बात है, बिफोर 1971 की, बराबर है। देखो तो उस जमाने में क्या था, तीन टाइप की क्या थी, सिर्फ मेजरमेंट सिस्टम क्या थी, अवेलेबल थी। सबसे पहले जो सिस्टम अवेलेबल थी वो किस, उसका नाम था सीजीएस, बराबर है, कौन सा था, सीजीएस। दूसरी सिस्टम अवेलेबल थी एफपीएस, और थर्ड सिस्टम अवेलेबल थी एमकेएस, ठीक है। तो ये जो सीजीएस है, सीजीएस को ही दूसरा नाम भी कहा जाता था, गॉसियन सिस्टम, इसका दूसरा नाम क्या था, गॉसियन सिस्टम। और एफपीएस सिस्टम का दूसरा नाम था ब्रिटिश सिस्टम, और एमकेएस का दूसरा नाम था मैट्रिक सिस्टम। और ये कहां से रिलेटेड थी, तो सीजीएस जो थी सिस्टम थी ये थी बेसिकली फ्रांस में, ठीक है, ये कहां पे थी, बेसिकली फ्रांस में थी। एफपीएस जो यहां पे आपको दिख रहा होगा ब्रिटिश, मतलब ये क्या थी, ब्रिटेन में थी, ठीक है, ये कहां पे थी, ब्रिटेन में थी। और ये जो मैट्रिक सिस्टम है फिर से कहां पे थी, फ्रांस में थी, ठीक है। अब देखो सबसे पहले जो थी सीजीएस, अब ये सीजीएस जो है, ये तीनों की तीनों जो सिस्टम मेजरमेंट सिस्टम है, ये तीन फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। और इसमें तीन फंडामेंटल यूनिट्स को क्या कहा गया था, कंसीडर किया गया था। तो तीन फंडामेंटल यूनिट कौन से थे, तो इसमें तीन फंडामेंटल यूनिट्स थे, लेंथ, मीटर, सॉरी लेंथ, मास और टाइम, ठीक है। कौन कौन से थे, तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज पकड़ी गई थी, एक थी लेंथ, मास और एक था टाइम, ठीक है। अब जो सीजीएस थी, सीजीएस सिस्टम में क्या किया गया था, जो लेंथ था वो लेंथ किस में पकड़ा गया था, सेंटीमीटर में पकड़ा गया था। लेंथ को किस में मेजर किया गया था, सेंटीमीटर में मेजर किया गया था। दूसरा जो मास था हमारा, मास को किस में मेजर किया गया था, ग्राम में मेजर किया गया था। और जो हमारा टाइम था, टाइम को किस में मेजर किया गया था, सेकंड में मेजर किया गया था, बराबर है। तो ये कहा की थी सबसे पहली वाली फ्रांस में अवेलेबल जो सिस्टम थी सीजीएस, सीजीएस का लॉन्ग फॉर्म क्या हुआ, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ठीक है। और कौन सी है, ये तीन फंडामेंटल कौन सी क्वांटिटीज यूज हुई थी यहाँ पे, लेंथ, मास और टाइम। वैसे ही अगर जो ब्रिटिश में, ब्रिटेन में यूज हो रही थी, ठीक है, कौन सी, एफपीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम में भी कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी यूज हो रही थी, तीन, वही लेंथ, मास और टाइम। लेकिन यहाँ पे जो लेंथ था, लेंथ किस में लिया जा रहा था, हमारा लिया जा रहा था फुट में, किस में लिया जा रहा था, फुट में। और जो हमारा मास था वो किस में लिया जा रहा था, पाउंड में लिया जा रहा था, ठीक है, किस में लिया जा रहा था, पाउंड में लिया जा रहा था। और जो टाइम था वो किस में लिया जा रहा था, आगे सेकंड में ही लिया जा रहा था, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाली जो सिस्टम थी कौन सी, एमकेएस। अब एमकेएस जो थी सीजीएस से ही बनी हुई, लेकिन थोड़ी सी एडवांस थी, क्योंकि यहाँ पे देखो लेंथ जो थी सेंटीमीटर में कैलकुलेट की गई थी, और यहाँ पे जो है आपकी एमकेएस में वो किस में कैलकुलेट की गई है, लेंथ कैलकुलेट की गई है मीटर में, और मास कैलकुलेट किया गया है के, मतलब केजी, और जो टाइम है वो फिर से ही सेकंड में कैलकुलेट किया गया है। तो देखो सीजीएस की क्या बनी है, एमकेएस बनी है आगे जाके, क्यों, देखो क्योंकि सेंटीमीटर मतलब क्या था, वेरी स्मॉल यूनिट था, बराबर है। अब ये जो आपकी ये थोड़ी सी लेंथ है, बराबर है, अगर मैं इसे सेंटीमीटर में कैलकुलेट करूं तो इसका नंबर क्या आ जाएगा, बहुत बड़ा आ जाएगा। लेकिन अगर उसी को मैं कैलकुलेट किस में करूं, मीटर में करूं, तो जो न्यूमेरिकल मैं सॉल्व करने वाला हूं उसको कैलकुलेशन करने के लिए मुझे क्या होगा, आसानी होगी। इसीलिए सीजीएस को ही क्या किया गया था, एक्सटेंड किया गया था एमकेएस में। तो ये क्या थी, बिफोर 1971 क्या थी, तीन सिस्टम क्या थी, अवेलेबल थी। और ये क्या थी, डिफरेंट डिफरेंट क्या थी, कंट्रीज में क्या थी, प्रेजेंट थी, ठीक है। अब क्या हुआ समझो, ये जो 1971 में क्या हुआ था, जब ट्रेडिंग चल रही थी, मतलब जब क्या था, हमारे जो ट्रेडिंग होती थी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, तो ये ट्रेडिंग होते वक्त क्या होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगे, बराबर है। क्योंकि यहाँ पे अगर मैंने ब्रिटेन के साथ यहाँ पे कोई ट्रेडिंग की, तो वहां पे मास मैं लेके गया, तो वहां पे क्या बोला जा रहा था कि इसका मास कितना है, तो उसको बोला जाता है कि 100 पाउंड। लेकिन यहाँ पे क्या था, जो फ्रांस से आया था वो तो बोल रहा था कि मेरे पास 100 kg है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स क्या हो रहे थे, यहाँ पे क्रिएट हो रहे थे। तो जो एमके सिस्टम थी वो अच्छी थी, ठीक है, एमके सिस्टम मोस्टली यूज हो रही थी। लेकिन एमके सिस्टम का एक डिसएडवांटेज आ गया, ठीक है, एमके सिस्टम में क्या आ गया, एक डिसएडवांटेज आ गया। वो एक डिसएडवांटेज ये था कि इस सिस्टम में एक प्रॉब्लम ऐसा था कि इस सिस्टम में जो डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी थी, बराबर है, वो क्या थी, सेम फिजिकल क्वांटिटी होने के बावजूद भी उसकी यूनिट जो आ रहे थे वो क्या आ रहे थे, डिफरेंट आ रहे थे। जैसे कि आप लोगों को पता है हीट एनर्जी, बराबर है, हीट एनर्जी क्या हो रही है, हीट एनर्जी हम किस में कैलकुलेट करते हैं, कैलोरीज में कैलकुलेट करते हैं,
बराबर है, किसमें करते हैं, कैलोरीज में क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, आपको पता है। उसके बाद अगर मैं लू एनर्जी, हमारी काइनेटिक एनर्जी वगैरह जो होती है, बराबर है कि ये अगर मैं पकड़ू तो हम किस में कैलकुलेट करते हैं उसको, जूल में कैलकुलेट करते हैं, बराबर है। न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। मतलब क्या हो रहा है, एक वर्ड तो वही आ रहा है, फिजिकल क्वांटिटी क्या आ रही है, एनर्जी ही है, लेकिन उसके क्या आ रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट क्या आ रहे थे, यूनिट्स आ रहे थे। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या हो रही थी, डिफिकल्ट हो रही थी एमजीएस सिस्टम। इसीलिए क्या किया गया, इसके ऊपर एक सॉल्यूशन निकाला गया। हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने क्या किया, एक इसके सॉल्यूशन निकाला। और 1971 में क्या किया गया, 1971 में क्या किया गया, एक नई सिस्टम क्या की, इंट्रोड्यूस की। और उस सिस्टम का नाम क्या था, एसआर सिस्टम। एसआर सिस्टम मतलब क्या, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है, समझ में आया। कब हुआ, 1971 में क्या किया गया, एसआर सिस्टम क्या की गई, एस्टेब्लिश की गई। और इस सिस्टम में क्या थी, सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज थी। इसमें क्या थी, सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, फंडामेंटल क्वांटिटीज। और इसमें क्या थी, दो जो थी वो क्या थी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज थी। इसमें क्या थी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज थी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, कितनी थी, सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज थी और टू क्या थी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज थी, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, आप डिटेल में समझेंगे कि ऐसा सिस्टम में कौन कौन से यूनिट्स है, ठीक है। हेलो, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज। जो है हमारी फिजिकल क्वांटिटीज है, तो उसके कितने डिफरेंट यूनिट्स है, उसको क्या करना है, हमें स्टडी करना है। तो हमने पिछले ही टॉपिक में देखा कि ऐसा सिस्टम जो थी, ऐसा सिस्टम में क्या थी, टू टाइप्स के क्या किए गए, यूनिट्स इस्तेमाल किए गए, बराबर है। दो को सेवन कितने थे, इसमें फंडामेंटल यूनिट्स थे, बराबर है। और दो क्या थे, सप्लीमेंट्री यूनिट्स थे, बराबर है। क्या थे, दो क्या थे, सप्लीमेंट्री यूनिट थे। तो इसी को क्या करना है, हमें यूनिट्स को स्टडी करना है। तो यहाँ पे क्या लिखी गई, फिजिकल क्वांटिटीज, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल यूनिट्स रहेंगे। तो यूनिट्स को क्या किया गया है, टू कैटेगरीज में क्या किया है, डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला कौन सा था, फंडामेंटल यूनिट, और दूसरे कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, डेरिव्ड यूनिट। तो वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों यूनिट मतलब होता क्या है। तो सबसे पहले चलते हैं फंडामेंटल यूनिट की तरफ। फंडामेंटल यूनिट मतलब क्या होता है, ऐसा यूनिट जो क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा किसी भी अदर फिजिकल यूनिट से, बराबर। मतलब जो भी हमारा दूसरा कोई भी यूनिट होगा उससे क्या होगा, वो इंडिपेंडेंट होगा, उसका कोई भी किसी से रिलेटेड रिलेशन नहीं होगा, तो उसे क्या बोला जाएगा, फंडामेंटल यूनिट। और फंडामेंटल यूनिट का ही दूसरा नाम क्या है, बेसिक यूनिट। फंडामेंटल यूनिट को क्या कहा जाता है, बेसिक यूनिट। यहाँ पे लिखा भी हुआ है देखो कि इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर यूनिट, ये यूनिट क्या रहेंगे, दोज यूनिट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर यूनिट्स, किसी के साथ कोई लेना देना नहीं, सेपरेट क्या रहेगा, ये यूनिट रहेगा, उसे क्या बोला जाएगा, बेसिक यूनिट, अदरवाइज फंडामेंटल यूनिट्स। और हमने देखा है कि ऐसा सिस्टम में कितने फंडामेंटल यूनिट्स है, सेवन फंडामेंटल यूनिट्स है। तो वो कौन से सेवन फंडामेंटल यूनिट्स है, बेसिक यूनिट्स है, वो जानते हैं। तो सबसे पहला जो कि हम तीन तो हमें पता ही है, जो कि हमने प्रीवियस मेजरमेंट सिस्टम में स्टडी की है। सबसे पहला कौन सा था, मास, बराबर है, सबसे पहला मास। लेकिन ऐसा सिस्टम में मास को किसमें मेजर किया जाता है, तो यूनिट क्या आ जाएगा, केजी, बराबर है। दूसरा फंडामेंटल यूनिट क्या है, लेंथ के लिए, फिजिकल क्वांटिटीज के लिए कौन सा आ रहा है हमारा, लेंथ। लेंथ किसमें मेजर की जाएगी, मीटर में। थर्ड फिजिकल क्वांटिटी कौन सी हो गई है, टाइम। तो उसका यूनिट कौन सा हो जाएगा, फंडामेंटल यूनिट कौन सा आ जाएगा, टाइम के लिए, ऑलवेज सेकंड, बराबर है। उसके बाद फोर्थ आ रहा है, एक क्वांटिटी नहीं, फिजिकल क्वांटिटी कौन सी, इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट किसको, किसमें नापा जाता है, किसमें मेजर किया जाता है, एम्पियर में, किसमें, एम्पियर में। फिफ्थ क्वांटिटी हमारी आ रही है, कौन सी है, टेम्परेचर, सबको पता है। और टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट है, वो टेम्परेचर की एसआई यूनिट है केल्विन, ध्यान में रखना है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, डिग्री सेल्सियस लिखते हैं, लेकिन एसआई सिस्टम में जो है टेम्परेचर का यूनिट किसमें है, केल्विन में, ध्यान में रखना है, केल्विन के। उसके बाद आता है सिक्स नंबर की जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, वो कौन सी है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसके लिए फंडामेंटल यूनिट कौन सा हो जाएगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब क्या होता है, ब्राइटनेस ऑफ लाइट, सिंपल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब क्या, ब्राइटनेस ऑफ लाइट, जो कि किसमें मेजर किया जाता है, एसआई सिस्टम में उसका यूनिट है कैंडेला, तो उसमें लिखा जाएगा सीडी, ठीक है, उसको किसमें लिखा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में उसका सीडी। और लास्ट वाली हमारी सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब जो मैटर के लिए, मैटर में कितना सब्सटेंस है, वो आपको आगे पता चलेगा, 10th स्टैंडर्ड में है, 9th स्टैंडर्ड में।
तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एक क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट होता है मोल्स, जिसका यूनिट कौन सा है मोल, और उसे क्या लिखा जाता है MOL। ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारी सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज और उसके सेवन फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, देखो फिर से एक बार बता रहा हूँ, फिजिकल क्वांटिटीज, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज टू कैटेगरीज में बांटी गई, एक फंडामेंटल क्वांटिटीज उससे क्या हो गए फंडामेंटल यूनिट्स, और दूसरा क्या हो गया डिराइव क्वांटिटीज, मतलब क्या है डिराइव यूनिट्स। ठीक है, और फंडामेंटल यूनिट्स कोई दूसरा नाम क्या है बेसिक यूनिट्स, और बेसिक यूनिट्स मतलब क्या हो रहा है ऐसे यूनिट जो क्या हो गए इंडिपेंडेंट, किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं, एक सेपरेट क्या होगा यूनिट होगा उसे क्या कहा जाएगा फंडामेंटल यूनिट्स। उसके बाद फंडामेंटल यूनिट्स कितने सेवन यूनिट्स है हमने देखा है, सेवन यूनिट कौन से हो गए मास, किसमें गिना गया केजी, लेंथ मीटर, टाइम सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि एसआई सिस्टम जो है हमारी, एसआई सिस्टम में क्या दिए गए थे दो सप्लीमेंट्री यूनिट भी बोले गए हैं। ठीक है, दो सप्लीमेंट्री यूनिट भी बोले गए हैं, अब ये दो सप्लीमेंट्री यूनिट कौन से हैं? ठीक है, और वो कौन सी क्वांटिटीज है, तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज यहाँ पे लिखी हुई है, देखो सप्लीमेंट्री यूनिट्स, तो सप्लीमेंट्री यूनिट टू है हमारे पास, एक है रेडियन, बराबर है, रेडियन सबको पता है मैथ्स में यूज किया जाता है पाई, बराबर है, रेडियन किसके लिए यूज होगा 2D प्लेन एंगल के लिए होता है, बराबर है, 2D के लिए यूज होता है, और जो स्टेरेडियन है बराबर है हम किससे डिनोट करते हैं थीटा से, वो किसके लिए यूज होता है मोस्टली 3D के लिए, ये मैथमेटिक्स में मोस्टली ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना सिर्फ कि दो फंडामेंटल यूनिट सप्लीमेंट्री भी यूनिट्स दिए हुए हैं, वो कौन से है रेडियन किससे डिनोट किया जाएगा पाई से, और सेकंड कौन सा है स्टेरेडियन किससे डिनोट किया जाएगा थीटा से। ठीक है, तो ये हो गया फंडामेंटल यूनिट्स। हाँ, तो हमारा सेकंड क्लासिफाई किया गया है यूनिट किसने, फिजिकल क्वांटिटी किसने की गई है डिराइव क्वांटिटीज, और डिराइव क्वांटिटीज के यूनिट कौन से होंगे डिराइव यूनिट। अब हमने समझ चुके हैं फंडामेंटल यूनिट्स, तो जानते हैं डिराइव यूनिट मतलब क्या होता है, तो डिराइव यूनिट मतलब क्या होगा ऐसा यूनिट जो क्या होगा हमारे फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर ही क्या होगा डिपेंडेंट होगा, फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर ही क्या होगा डिपेंडेंट होगा, उसी को क्या किया जाएगा मल्टीप्लाई किया जाएगा, अदरवाइज क्या किया जाएगा डिवाइडेशन किया जाएगा, उसी से क्या किया जाएगा एक नया यूनिट क्या किया जाएगा डिराइव किया जाएगा, तो उस यूनिट को क्या कहा जाएगा डिराइव यूनिट, उसी को क्या कहा जाएगा डिराइव यूनिट। और ऐसी जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है तो उसे हम क्या कहते हैं जनरली, हम तो फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं लेकिन उसे दूसरा नाम भी कहा जा सकता है कि डिराइव क्वांटिटीज। ठीक है, तब ऐसे समझते हैं, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है डिराइव यूनिट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि दोज यूनिट्स are obtained by multiplying or dividing one or more fundamental units is called as the derived units, otherwise derived quantities। ठीक है, तो इसके एग्जांपल समझते हैं कि कैसा क्या हो रहा है derived unit हमें कैसा मिल रहा है। ठीक है, कैसे मिल रहा है, तो देखो यार इसका एग्जांपल कौन सा हो जाएगा स्पीड। अब स्पीड में तो फंडामेंटल क्वांटिटीज में आ ही नहीं रहा स्पीड फिजिकल क्वांटिटी, तो स्पीड का यूनिट कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो स्पीड किस में आ रहा है derived unit में आता है। देखो स्पीड का फार्मूला सब लोगों को पता है, स्पीड का फार्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, बराबर क्या हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन देखो अब डिस्टेंस मतलब क्या हो गया सिंपल, डिस्टेंस मतलब क्या हो गया लेंथ ही हो गई ना, एक तरह की डिस्टेंस मतलब क्या हो गया लेंथ ही हो गई ना, बराबर है। और लेंथ का लेंथ किस में आ रहा है फंडामेंटल यूनिट में आ रहा है, लेंथ किस में आ रहा है फंडामेंटल यूनिट में आ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जो आपका डिस्टेंस है डिस्टेंस के यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ मीटर लिख सकता हूँ, बराबर है। और टाइम तो मेरा फंडामेंटल यूनिट है ही, टाइम क्या है फंडामेंटल यूनिट है, पता है मुझे क्या है टाइम का क्या है सेकंड, टाइम का क्या है सेकंड। तो इस तरह से क्या हो गया, देखो हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बराबर सेटिस्फाई हो रहा है। देखो ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाई और डिवाइड वन और मोर फंडामेंटल यूनिट्स, क्या किया गया फॉर्मूला स्पीड का फॉर्मूला लिखा और दिया हुआ देखा डिवाइड डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब क्या है दो फंडामेंटल यूनिट्स को क्या किया गया डिवाइड किया गया और उसको क्या बनाया गया इसका यूनिट बनाया गया, और यूनिट क्या बना हमारा मीटर पर सेकंड। तो स्पीड का यूनिट क्या हो गया सिंपल हमारे पास मीटर पर सेकंड, और इसी को यूनिट को क्या बोला जाएगा डिराइव यूनिट, क्योंकि कैसे मिला है हमें उसको दो फंडामेंटल यूनिट्स को क्या किया गया डिवाइड किया गया, अदरवाइज क्या किया गया मल्टीप्लाई किया गया। उसके और एक दो एग्जांपल देखते हैं, देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सेकंड एग्जांपल कौन सा हो गया एक्सेलरेशन, सबको पता है एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है स्पीड अपॉन टाइम, बराबर है, एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है स्पीड अपॉन टाइम, बराबर है। अब स्पीड का मुझे फॉर्मूला पता चल चुका है, स्पीड का फॉर्मूला क्या है मीटर पर सेकंड, और टाइम का क्या है सेकंड।
बराबर है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बराबर है। तो ये क्या हो चुका है मेरा, एक्सेलरेशन का क्या हो गया, यूनिट हो गया। और एक्सेलरेशन को क्या बोला जाएगा, इस यूनिट को क्या बोला जाएगा, डिराइव्ड यूनिट। वैसे ही फोर्स, फोर्स तो सबको पता है, पढ़ चुके हैं। क्या होता है फोर्स, मतलब m into multiply by a, बराबर है, m into ये। मास तो क्या है मेरे पास, केजी अवेलेबल है मेरे पास, फंडामेंटल यूनिट्स। मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, बराबर है। मास का क्या आ रहा है, सिंपल केजी। और एक्सेलरेशन का मेरे पास क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या हो गया मेरा, फोर्स का क्या यूनिट हो गया, सिंपल। इसी को हम आगे लिखेंगे, पढ़ने वाले हैं। इसको क्या बोला जाता है, न्यूटन बोला जाएगा। फोर्स का ऐसा यूनिट है न्यूटन, ठीक है। ये कैसे बनता है मैं आगे बताने वाला हूँ नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को, ठीक है। सिर्फ ध्यान में रखना है कि डिराइव्ड यूनिट कैसे बनते हैं, कि जिसको क्या किया गया, जो फंडामेंटल यूनिट है उसको क्या किया जाएगा, एक तो मल्टीप्लाई किया जाएगा, एक तो डिवाइड किया जाएगा, और उससे क्या किया जाएगा, उसे बनाया जाएगा, तो उसे क्या कहा जाएगा, डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। तो